हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बथुआ की कचौड़ी, या आप इसे बथुआ की पूड़ी भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये बढ़िया ताज़ा सा आधा किलो बथुआ लिया हुआ है। इसे हमने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है ताकि इसमें जो भी मिट्टी लगी हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे साफ़ करने के बाद हम इसे भगोने में डालकर हम इसे उबालेंगे। तो हम सारा बथुआ जो हमने धोकर रखा हुआ था उसे हम एक भगोने में अच्छे से डालकर उसमें आधा गिलास पानी का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम आधा गिलास पानी ऐड करेंगे और पानी डालने के बाद इसे हम गैस पर 8 से 10 मिनट उबलने के लिए रख देंगे। तो चलिए, इसमें हमने पानी डाल दिया और दिखा भी मैंने दिया है आपको कि इसमें थोड़ा सा ही पानी डालना है, आधा गिलास तक। तो अब इसे हम ढककर पकाएंगे। तो अब इसे हम 8 से 10 मिनट ढककर पका लेंगे और बीच बीच में खोलकर चेक भी कर लेंगे। तो ये देखिए, अभी आधा पका हुआ है। इसे अभी हम 4 से 5 मिनट और पकाएंगे और पकने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए, पकने के बाद ये इस तरीके का हो गया है। तो ये हमारा काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब इसे क्या करेंगे, हम एक ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट में हमने 2-4 लहसुन की कलियां और एक मिर्च भी डाली हुई है। तो चलिए, अब हम एक बड़ी कटोरी आटा ले लेते हैं और वो जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था बथुए का, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हमने नमक ऐड कर दिया अपने स्वाद अनुसार और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे ताकि कलर अच्छा आए इसमें, और आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। इन सब को डालकर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। आप रिफाइंड ऑयल या उसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब को डालकर अब हम अपने हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो बस हमें इसी तरीके से एक डो तैयार करना है। इसमें पानी बहुत ही कम लगेगा। अगर आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो ही आप इसमें पानी ऐड करें, वरना मत ऐड करें। तो ये मैंने उसी जार में हल्का सा पानी डालकर इसमें डाल लिया है। बस इस तरीके से आपको एक गुत्ते जाना है और एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये देखिए, डो हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए, अब इसे हमें 8 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देना है। और इधर हमने गैस पर कढ़ाई में तेल डालकर इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए, हमें इस तरीके की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है, छोटे छोटे पेड़े के आकार की लोइयाँ बना लेनी है, जिससे हम पूड़ी बनाएंगे। आप पूड़ी भी बोल सकते हैं और इसे कचौड़ी भी बोल सकते हैं। तो बस इस तरीके की हमें सारी लोइयाँ बनाकर हल्का सा ऑयल लगाकर इसे हमें बेल लेना है। तो हम इसी तरीके से बेलन की सहायता से इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो ये हल्का सा 2 से 4 बार बेलने के बाद, ये देखिए, हमने सारी बेल कर रख ली है इस तरीके से। और तेल भी हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए, इसमें हम डालते हैं कचौड़ी को अपने। ये देखिए, तेल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म है। अब इसे डालने के बाद इसे हम इससे तरीके से दबा कर हल्के हाथों से इसे बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसे दबा लिया है और दूसरी तरफ पलट दिया है। ये अपने आप ही फूल जाएगी। ये देखिए, कितने अच्छे से फूल गई है कचौड़ी हमारी। बस इसी तरीके से हमको जितनी भी हमने सारी कचौड़ी बेल कर रखी हुई है वो हमको इसी तरीके से डालकर अच्छे से सेक लेनी है। और आप एक एक या दो दो करके भी एक साथ सेक सकते हैं। तो ये मैं एक एक करके सेक रही हूँ ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो ये हमें इसी तरीके से डालकर अच्छे से सेक लेनी है, 1 से 2 बार पलटकर। ये बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो एक बार आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको। मुझे तो बहुत पसंद आती हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो बस इसी तरीके से हमें सारी सेकनी है। आप इसे सॉस के साथ, सब्जी के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, किसी के साथ भी खाइएगा। ये सबके साथ इसका अलग ही टेस्ट होता है और ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इसी तरीके से हमें सारी पूड़ियों को डाल लेना है और अच्छे से सेक लेना है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर देख सकती हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। ऐसे तो वो बथुए की सब्ज़ी खाएंगे नहीं, आप बना कर देंगे। तो इस तरीके से बथुआ को आप खिला सकते हैं बच्चों को, पूड़ी बनाकर बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, वो खा भी लेंगे बहुत ही आसानी से। तो बस इसी तरीके से हमें सारी पूड़ियों को अच्छे से सेक लेना। ये देखिए, कितनी फूली फूली बन रही हैं। तो बस इसी तरीके से आप बनाइए और बताइए कि आपकी कैसी बनी, आपको पसंद आई कि नहीं। तो इसी तरीके से सारी बनाइएगा
और मुझे फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये देखिए मैंने सारी पूड़ियों को अच्छे तरीके से सेक लिया है। ये देखिए कितनी फूली फूली बनी है, एकदम खस्ता लग रही है ना। तो आप इसे कचौड़ी या पूड़ी जो भी बोलते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।